आज हम लोग बात करेंगे डोमेन एक्सपायरी के बारे में कि अगर डोमेन हमारा एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, पूरा ए टू जेड आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन एक्सपायरी के बारे में कि अगर हमारा डोमेन एक्सपायर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने 1 नवंबर 2020 को एक डोमेन खरीदा और 1 नवंबर 2021 को वो मेरा डोमेन एक्सपायर हो गया, मैंने उसकी रिन्यूअल पेमेंट नहीं करी, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, मैं कैसे उसको वापस रिन्यू कर सकता हूँ, कितने टाइम बाद वो वापस से मार्केट में लिस्ट होता है और मुझे कितनी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्या आपका डोमेन आज तक एक्सपायर हुआ है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और आपने उसको रिन्यू करवाया है तो आपने कितनी फीस दी है वो भी मुझे नीचे कॉमेंट में बताइएगा। इससे पहले मैं डोमेन एक्सपायरी के बारे में बताऊं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डोमेन स्क्वाटिंग या साइबर स्क्वाटिंग के बारे में। मतलब अगर यहाँ पर कोई डोमेन को कोई रजिस्टर कर लेता है जो किसी और को एक्चुअल में मिलना चाहिए था, किसी और के पास उसके कॉपीराइट्स थे, ट्रेडमार्क्स थे, तो यहाँ पर एक ट्रेडमार्क वायलेशन हुआ है और उसको रजिस्टर करने का सोल पर्पस यही है कि जिसके पास वो ट्रेडमार्क है उसको बाद में उस हायर प्राइस पे सेल किया जा सके। तो यहाँ पे इसको कहते हैं डोमेन स्क्वाटिंग एंड ये चीज़ बहुत बार तब भी होती है जब यहाँ पर कोई डोमेन नेम एक्सपायर हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मीन्स ये वो टाइम रहता है जहाँ पर आपका डोमेन नेम एक्सपायर हो जाता है लेकिन डोमेन रजिस्ट्रार यहाँ पर उनको ग्रेस पीरियड देता है कि आप इतने दिनों के अंदर ये वाला डोमेन नेम वापस रिन्यू कर सकते हो बिना कुछ एडिशनल फीस दिए हुए। अब ये ग्रेस पीरियड कितना रहता है ये डिपेंड करता है पहले तो एक्सटेंशन के ऊपर कि कौन सा एक्सटेंशन है, देन दूसरा डोमेन रजिस्ट्रार के ऊपर भी कि कहाँ से आपने डोमेन नेम खरीदा है। सबके यहाँ पर अपने अपने रूल्स रहते हैं। जो यूजुअली रहता है जैसा जो नेम चीप के साथ में है वो ऐसा है कि अगर आपके पास .com डोमेन नेम है और अगर वो एक्सपायर हो गया है तो यहाँ पर आपको 30 डे का ग्रेस पीरियड मिलता है, उसमें आप लोग रिन्यू कर सकते हो बिना कुछ एडिशनल फीस दिए हुए। देन ग्रेस पीरियड के बाद यहाँ पर होता है रिडेम्पशन पीरियड। रिडेम्पशन पीरियड में भी आप लोग अपना डोमेन नेम वापस खरीद सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी जिसको यहाँ पर रिडेम्पशन फीस कहा जाता है। अब ये फीस अगेन डिपेंड करती है कि आपका रजिस्ट्रार कौन है और कौन सा एक्सटेंशन एंड आफ्टर एक्सपायरी यहाँ पर उसको कितना टाइम हो गया है। रिडेम्पशन पीरियड यूजुअली यहाँ पे 30 डेज का रहता है, सो यहाँ पर आपको टोटल 60 डेज मिल जाते हैं अपने डोमेन नेम को वापस खरीदने के लिए। अब जैसे ये 60 डेज एंड होते हैं इसके बाद भी यहाँ पर डोमेन नेम को रखा जाता है पेंडिंग डिलीट स्टेज में एंड ये अराउंड रहता है 1 से 5 दिन का। इस स्टेज में भी वापस से डोमेन नेम को एक्वायर किया जा सकता है एंड जैसे ही 5 दिन खत्म होते हैं यहाँ पर वाला डोमेन नेम वापस से लिस्ट हो जाता है मार्केट में दूसरे लोगों के लिए परचेज करने के लिए। सो ये पूरा प्रोसेस रहता है जब हमारा यहाँ पर डोमेन नेम एक्सपायर होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरे डोमेन नेम्स को भी सर्च कर सकते हैं जो अभी एक्सपायर होने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट है expiredomains.net करके। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इसका यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है फ्री में एंड देन यहाँ पर लॉगिन करके पेंडिंग डिलीट में हम लोग जाएंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे डोमेन नेम्स मिल जाएंगे जो अभी डिलीट होने वाले हैं। ये इनकी एंड डेट है कि ये ठीक है ये 19 तारीख को हो जाएगा, ये 21 तारीख को हो जाएगा एंड ये एक अप्रॉक्स डेट दे देता है। तो यहाँ से आप लोगों को ऐसे डोमेन नेम्स मिल सकते हैं जो अभी एक्सपायर होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर आपको कुछ अच्छे डोमेन नेम्स मिल जाए तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग्स के लिए एंड यहाँ से हम लोग इसमें फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं जो मैं यूजुअली करता हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश वर्ड डोमेन नेम्स कर देता हूँ, ओनली कैरेक्टर्स कर देता हूँ एंड अगर जैसे मुझे यहाँ पे कोई डोमेन नेम चाहिए जैसे .com मैं प्रेफर करता हूँ, .net भी चल जाता है एंड यहाँ पर अगर कुछ और भी डोमेन नेम एक्सटेंशन रहते तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ मैं तो यहाँ से मुझे वो डोमेन नेम्स मिल जाते हैं जो अभी पेंडिंग डिलीट में है, जो अभी फ्यूचर में डिलीट हो सकते हैं एंड यहाँ से मैं उनको परचेज, जैसे ux.com इज़ अ गुड डोमेन नेम जो अभी 2008 से रजिस्टर है एंड 19 तारीख को ये एक्सपायर होने वाला है एंड ux.com इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे इसकी वेबसाइट नहीं है तो ये वाला डोमेन नेम डिलीट होने ही वाला है और अगर ये वाला डोमेन नेम मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर उसको परचेज कर सकता हूँ। expiredomains.net अपने आप में ही एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आपको काफ़ी सारे डोमेन आइडियाज़ भी मिल सकते हैं प्लस आपको अच्छे अच्छे डोमेन नेम्स भी मिल सकते हैं। तो इसको एक बार जाइए सर्व करिए एंड यू विल फाइंड सम गुड ऑप्शंस देयर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।